to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया भैया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने मुझे यहाँ जिता के भेजा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे पिताजी हाजी सिबतुल्ला अंसारी साहब के अनुरोध पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा में एक ट्रॉमा सेंटर दिया था, और जब से मैं विधायक बना हूँ समय समय पर उसको शुरू कराने की मांग आपके माध्यम से किया है और माननीय मंत्री जी के माध्यम से किया है। वहाँ सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, नर्सिंग स्टाफ आ गए हैं, बस डॉक्टर की कमी होने की वजह से वो आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हमारी सरकार में कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बिहार है, नेबरिंग स्टेट है मेरा, उस वजह से बिहार से भी काफ़ी लोग आते हैं और इलाज नहीं मिलने की वजह से सबको बनारस जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मेरे गाजीपुर ज़िले में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिससे जो हमारे छात्र हैं जिनको पढ़ने इलाहाबाद लखनऊ जाना पड़ता है, जौनपुर जाना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। जो भी एक मानक क्राइटेरिया होती है यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए, उससे ज़्यादा वहाँ पर कॉलेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और लड़कों को जॉब भी आसानी से फिर मिलेगी अगर वो यहाँ पढ़ पाएंगे। हमारे विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था, वो बन के तैयार है और वहाँ हम लोग आ जा रहे हैं। अब उसके बाद अब हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे और हाईवे तो बन रहे हैं, पर जो लिंक रोड हैं वो सब खराब होती जा रही है उसकी, क्योंकि बड़े बड़े जो डंपर हैं, ट्रक हैं, वो जा रहे हैं, उनकी वजह से रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की रोड हो या जिला पंचायत की रोड हो, उनकी वजह से आम जो किसान है साइकिल से जिनको चलना है उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि उन रोडों को सही कराया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि फिर बरसात आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। वहाँ अंडरपास की समस्या है, कई जगह है वहाँ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, ताकि जो लिंक रोड है वहाँ उसको बंद करके 3 किलोमीटर दूर से दिया जा रहा है, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। अभी गर्मी का दिन शुरू होने वाला है, फिर से बिजली की समस्या आने लगेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब जलने लगते हैं, ट्रांसफार्मर जलने के बाद फिर ट्रांसफार्मर को दोबारा ले आना बड़ा मुश्किल है, क्षमता वृद्धि हो नहीं रही है ट्रांसफार्मरों की, उसकी वजह से सब 8-10 साल पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं, लोड ज़्यादा बढ़ गया है, कनेक्शन बढ़ गए हैं। हम मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहाँ ट्रांसफार्मर की भी क्षमता वृद्धि कराई जाए। हमारी विधानसभा में मैंने हर बार मांग की है कि एक स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है, मैंने बजट में भी पढ़ा है आज की हर ब्लॉक के में स्टेडियम दिया जा रहा है। अगर स्टेडियम हो जाएगा तो जो हमारे नौजवान हैं, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो मेहनती हैं, उनको थोड़ा हुनर उनका और निखर के आएगा। मेरे यहाँ बहुत एशिया की सबसे फेमस मंडी है, पतलगंगा मंडी कहा जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सब्जियाँ एक्सपोर्ट होती हैं, इस टाइम भी होती हैं, वहाँ भी वो ऑर्गेनाइज मंडी नहीं है। मैं चाहता हूँ वहीं पतलगंगा में एक अच्छी मंडी सरकार के द्वारा बने, जिससे किसानों को फायदा हो। मेरे यहाँ मेरी विधानसभा के कई ऐसे गाँव हैं जो उठा के 40 किलोमीटर दूर एक कासमाबाद तहसील है, वहाँ भेज दिया गया है। 5 किलोमीटर के दूर के जो विलेज है मोहम्मदाबाद तहसील के, वहाँ के ग्रामीणों को 30 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर जाना पड़ता है, कनेक्टिविटी है नहीं, बेचारे साइकिल से मोटरसाइकिल से कैसे कैसे करके जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि उन गाँव को वापस मोहम्मदाबाद की तहसील में भेजा जाए, जिससे वहाँ के लोगों को जो भी समस्या है उतनी दूर जाने को, उनका ब्लॉक भी मोहम्मदाबाद है, उनका हॉस्पिटल भी मोहम्मदाबाद है, थाना भी मोहम्मदाबाद है, पर तहसील कासमाबाद कर दी गई है, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मेरे यहाँ गांव है नगवा नौपुरा, और यह उस क्षेत्र के करीब सैकड़ों किसान इस ठंड में बैठे हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी धरने पे। वहाँ एक गांव है, वहाँ नदी है, गंगी नदी पे उसमें पुल बनना था, पर वो पुल रुक गया, उस पर फंड अलॉटेड है, पर उस पुल को चालू कराने के लिए वहाँ के किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कुछ टेक्निकल इशू दिखा दिया गया, कोर्ट का ऑर्डर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो पुल चालू कराया जाए, क्योंकि इस पार से उस पार किसानों को जाने में 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। पुल का काम भी शुरू हो गया था पर उसको रोक दिया गया किसी भी वजह से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से, आपसे बहुत उम्मीद है, जब मैं अभी आ रहा था तो मैंने अपने जो भी धरने पर बैठे थे सम्मानित मेरे नागरिक, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जाके अपने अध्यक्ष जी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो धरना है आपका खत्म हो, और जो पुल है अगर पक्का पुल नहीं बन पा रहा है तो छलका ही बन जाए, जिससे वहाँ के किसानों को आने जाने में आसानी हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।